नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य पर आधारित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका ये पार्ट 8 है। इससे पहले मैं आपका 7 तक प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा, और उसमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। और इसके PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, मतलब कि गाजीपुर में प्रमुख बोली कौन सी बोली जाती, तो वो है आपकी भोजपुरी। जो भोजपुरी है वो आपकी गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है। अगला पॉइंट है आपका, हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है, तो वो है आपकी संस्कृत। संस्कृत है वो आपकी हिंदी की आदि जननी है। अगला पॉइंट आपका, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो आपकी कन्नौजी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला पॉइंट आपका, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं। आपके साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक जो हैं वो आपके डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। अगला पॉइंट आपका, किस कवि की रचना प्रेम चिंगारी है, तो आपका प्रेम चिंगारी जो रचना वो आपकी नजफ अली की है, आपकी प्रेम चिंगारी रचना। अगला पॉइंट आपका, मानक हिंदी का आधार क्या है, जो मानक हिंदी का आधार है वो क्या है आपका, तो वो है आपका खड़ी बोली। जो खड़ी बोली आपका मानक हिंदी का आधार है। अगला पॉइंट आपका, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, तो आपके जय भारत के रचनाकार जो हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आपके जय भारत के रचनाकार। अगला पॉइंट आपका, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले, पंक्ति किस लेखक की है। मतलब एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले, तो आपकी ये पंक्ति किस लेखक की, तो बता दो ये जो पंक्ति वो आपकी मुंशी इंसा अल्लाह खां की यह पंक्ति है। अगला पॉइंट आपका, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी कौन सी है, मतलब कि विष्णु प्रभाकर द्वारा जो रची गई है बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक जीवनी है, वो आपको जीवनी बतानी है, तो वो है आपका आवारा मसीहा। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी, जो कि आपकी विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। अगला पॉइंट आपका, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है। संदेह का आशय है जो निम्न में से कौन नहीं है, तो वो है आपका सोना। सोना है जो आपका संदेह का आशय है। और दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें आता है तो हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, इससे कि आपको जब पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या नया था, क्या मुझे आता है, क्या नहीं आता है, वो सब अपने आपको आप जान पाओगे। अगला पॉइंट है आपका, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, तो आपका जो अर्धस्वर कौन सा कहलाता है, तो वो है आपका या एंड बा है, जो आपका अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला पढ़ने का, विनय पत्रिका की भाषा है, जो कि विनय पत्रिका है वो आपकी किसकी भाषा है, तो वो है विनय पत्रिका की भाषा जो है आपका ब्रज भाषा, मतलब कि विनय पत्रिका में जो भाषा लिखी गई वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला पढ़ने आपका, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप सभी को बताओ उनकी संख्या 11 है, मतलब 11 है आपकी हिंदी वर्णमाला के स्वर की संख्या। अगला पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में जो है आपका व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। अगला पॉइंट आपका, बांग्लू किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या बांग्लू किस उपभाषा की वर्ग की बोली है या अंतर्गत आती है, तो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी बांग्लू। अगला पॉइंट है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है। वह लाचार है वह क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, तो इस वाक्य में आपका करणवाचक अवयव है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अगला पॉइंट, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह होता है, मतलब कि कौन सा समास में प्रथम पद तो संख्यावाची होता है और अंतिम पद जो आपका संज्ञा है, तो वह आपका द्विगु समास। द्विगु समास है उसमें आपका प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधार समास नहीं है, किस एक में से आपका कर्मधार समास नहीं है, तो आपके ऑप्शन है, लड़का भूखा से अधमरा हो गया था और आपका तुम्हें अपना भला पूरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है और उठो दिया बाती का समय हो गया।
तो इसमें बताओ आपका जो कर्मधार समास नहीं है तो वो है आपका उठो दियाबाती का समय हो गया है, इसमें आपका कर्मधार समास नहीं है। अगला पॉइंट आपका युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, तो वो है आपका अलुक तत्पुरुष का आपका विग्रह पद है, आपका युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष। अगला पॉइंट आपका भरपेट में कौन सा समास है, आपका जो भरपेट है उसमें कौन सा समास है, तो उसमें आपका अव्ययी भाव समास है आपका भरपेट में। अगला पॉइंट आपका पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या है, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या, मतलब इसको मुहावरा बोलते हैं, तो है आपका काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना कि पानी पीकर जात पूछना। अगला पॉइंट आपका डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को किस वर्ष भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपका 2017, 2017 में आपका आनंद प्रकाश दीक्षित को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है आपका कि फिर भी कुछ रह जाएंगे, यह किस रचनाकार की रचना है, तो यह जो वो आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है फिर भी कुछ रह जाएंगे। अगला पॉइंट है किताब किस भाषा का शब्द है, तो आपका जो किताब है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट है आपका रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर को आपका 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट आपका मिला तेज से तेज के लेखक कौन है, तो मिला तेज से तेज के जो लेखक है वो आपके सुधा चौहान जी हैं आपके मिला तेज से तेज। अगला पॉइंट है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो हुआ था वो 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट आपका हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, तो आपका हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के जो संपादक थे वो आपके जुगल किशोर जी थे। अगला पॉइंट आपका हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना जो की थी वो आपकी श्री राजगोपालचारी जी ने की थी। अगला पॉइंट आपका मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में विवरण दिया है, मतलब मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में विवरण दिया, तो वो आपका 5000 कवियों का, मतलब ये आपका लगभग में है, आपका ये 5000 कवियों का ये आपका लगभग में है आंसर, 5000 कवि लगभग। अगला पॉइंट आपका किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, तो वो है आपका बनारस, बनारस की क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। अगला पॉइंट भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से आपके हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी 5 भाषाएं आती हैं। अगला पॉइंट है आपका रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में जो है वो आपके 7 कांड हैं। अगला पॉइंट का महा इसका संधि रूप होगा, महा इसका संधि रूप होगा तो वो होगा आपका महेश, महा प्लस इसका जो संधि रूप है महेश होगा। अगला पॉइंट इनमें से कौन अभिकारी वर्ग में आता है, इनमें से कौन है वो अभिकारी वर्ग में आता है, तो वो है आपका अवयव, अवयव है जो आपका अभिकारी वर्ग में आता है। अगला पॉइंट है आपका कबूतर का तत्सम बताइए, जो कबूतर का तत्सम बताइए तो वो है आपका कबूतर का कपोत, जो कबूतर का तत्सम वो आपका कपोत है। अगला पॉइंट है आलपिन किस भाषा का शब्द है, जो आपकी आलपिन है वो आपकी किस भाषा का शब्द है, तो वो है आपका फ्रेंच, फ्रेंच का शब्द है आपका आलपिन। अगला पॉइंट है आपका इनमें से कौन भिखारी वर्ग में आता है, तो आपका बता दूँ आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये सब आपके भिखारी वर्ग में आते हैं। अगला पॉइंट आपका तीखा किस वर्ग का शब्द है, जो तीखा है वो आपका तद्भव वर्ग का शब्द है आपका तीखा। अगला पॉइंट है आपका गुदड़ी किस संवर्ग का शब्द है, जो आपका गुदड़ी है वो आपका किस संवर्ग का शब्द है, तो वो है आपका देशज, देशज शब्द है आपका गुदड़ी। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक के बस इतना ही, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और इसके लिंक को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी दोस्त आपको इसका लाभ पा सकें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।